शिक्षकों ने पैदल मार्च निकालकर मतदान पर दिया संदेश, आंधी आए या बारिश मतदान करने जाना है, अपना फर्ज निभाना है। स्वीप कार्यक्रम के तहत गांधी मूर्ति कंपनी बाग पर बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षक एकत्रित हुए तथा उन्होंने शत प्रतिशत मतदान करने हेतु पैदल मार्च निकाला। यह पैदल मार्च पीली कोठी, अम्बेडकर पार्क, सिविल लाइन एवं विभिन्न चौराहों से होते हुए पंचायत भवन पर आकर समाप्त हुआ। स्वीप के जनपदीय कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अनुज अग्रवाल ने बताया कि मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से उन बूथों पर विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं जहां पिछले विधानसभा के चुनाव में मतदान का प्रतिशत बहुत कम रहा था। साथ ही मुरादाबाद महानगर के बूथों पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना स्वयं सेवी संगठनों के माध्यम से कराई जा रही है ताकि मतदान वाले दिन वह मतदाताओं की थर्मल स्क्रीनिंग कर सकें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मतदान संपन्न हो सके। इस मौके पर रितु त्यागी, खिलेंद्र सिंह, गौतम सिंह, मनीष कुमार, रोशनी वर्मा, ज्योति सिंह, वंश बहादुर, जितेंद्र कुमार चोली, वर्षा भटनागर सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। रिपोर्ट अनिल सक्सेना। मतदान, पहले मतदान, पहले मतदान, 14 फरवरी भूल न जाना, 14 फरवरी भूल न जाना, 14 फरवरी भूल न जाना, पहले मतदान, पहले मतदान, पहले मतदान, पहले मतदान, पहले मतदान, पहले मतदान। 60-70 लोग हैं और मुझे लग रहा था कि हम 10-20 इकट्ठा हो पाएंगे। तो सबसे पहले जब खिलेंद्र जी यहाँ आए तो मुझे लग रहा था, मैंने इनसे बात की कि हम आधा घंटा वेट करते हैं और फिर नहीं चलते हैं, मुझे नहीं लग रहा कि आज लोग आएंगे। तो हम लोगों ने मंत्रणा की, फिर आदरणीय डॉक्टर रितु त्यागी जी ने भी बताया कि लोग आएंगे और सुबह से ही वो जुटी हुई थी और उनकी ये मंशा थी कि आज रैली निकले। जो हमारा एक कैंपेन मुरादाबाद जनपद में चल रहा है वो अनवरत चलता रहे, जैसे अभी रोशनी मैम भी कह रहे हैं कि आंधी हो या तूफान, मतलब मतदान नहीं रुकना चाहिए, प्रोसेस नहीं रुकना। आई एम वेरी थैंकफुल आप सभी लोगों के लिए। मैं प्रशासन की ओर से धन्यवाद देता हूँ, विभाग की ओर से धन्यवाद आपको देता हूँ कि बारिश के बावजूद लग रहा था, देखो हम लोगों ने रैली निकालना शुरू की और ईश्वर की कृपा से अब बारिश भी रुक गई है ना, और हम लोग जो हमारी मंशा थी वो भी पूरी हो गई है। तो आप सारे लोग देशभक्त हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। दूसरी एक बात, चाहे वो हमारे माध्यमिक या बेसिक शिक्षक हों, सभी सम्मानित शिक्षकों का पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूं कि भारी बारिश के कारण उन्होंने अपनी मेहनत से मतदाता जागरूकता के इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। और माननीय भारत निर्वाचन आयोग की भी एक मंशा है कि मुरादाबाद में इस बार 100% मतदान हो, उसी संकल्पना के साथ आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं और एक रैली पैदल मार्च यहाँ से निकाल रहे हैं पंचायत भवन से, और यही अपील करेंगे कि मुरादाबाद में अधिक से अधिक मतदान। थैंक यू सर। मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान, अपना फर्ज निभाना है, 14 फरवरी भूल न जाना, अपना फर्ज जरूर निभाना, 14 फरवरी भूल न जाना, अपना फर्ज जरूर निभाना, वोट डालने जाना है, अपना फर्ज निभाना है, वोट डालने जाना है, अपना फर्ज निभाना है।